गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ भाविका की दुनिया। सो आज का वीडियो इज़ बेसिकली अबाउट हाउ इज़ माय डेली रूटीन, हाउ इज़ माय डेली लाइफस्टाइल। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं जस्ट अभी उठी हूँ और मेरा ऑफिस है, माय रिपोर्टिंग टाइम इज़ 12 o'clock इन द आफ्टरनून। तो बस मैंने अभी बनाई है अपने लिए ये कॉफ़ी, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, एंड फटाफट से कॉफ़ी पी के आई विल गेट रेडी एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ ट्रैवल करती हूँ, कैसे ट्रैवल करती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सो आई एम डन टेकिंग बाथ एंड अभी मैं जल्दी से रेडी होंगी। रेडी मतलब कि आई विल जस्ट चेंज माई क्लोथ्स, आई विल पैक माई बैग्स एंड बैग एंड आई विल लीव फॉर ऑफिस। और आज है ट्यूसडे, सो ऑफिस के पहले मैं जाऊंगी गुरुद्वारे, क्योंकि मैं एवरी ट्यूसडे जाती हूँ गुरुद्वारे। और आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि मैं कहाँ काम करती हूँ एक्सेट्रा। आई वर्क इन अ BPO एंड मेरी रोटेशनल शिफ्ट्स होती है, जैसे ये वीक मेरी 12:20 है, सो इट विल एंड एट 9:50 और आई लीव 2 hours अर्ली बिकॉज मैं पहले ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ, फिर कंपनी की बस आती है स्टेशन के बाहर लेने के लिए, तो फिर उससे ट्रैवल करती हूँ एंड घर से मैं कुछ खा के नहीं जाती हूँ। सो आई गो ओवर देयर, आई ईट, देन आई गेट रेडी। तो बस, तो अभी जल्दी से मैं चेंज करती हूँ एंड फिर आपसे मिलती हूँ। सो अभी मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस के लिए, सबसे पहले मैं जाऊँगी गुरुद्वारे। मैं घर से रेडी होकर नहीं निकलती हूँ बिकॉज आई ट्रैवल बाय ट्रेन एंड बस, तो फिर पूरा स्वेटी हो जाती हूँ। सो वंस आई रीच ऑफिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट एंड देन आई गेट रेडी। सो चलिए पहले मैं आपको लेके चलती हूँ गुरुद्वारे। सो ये जो गुरुद्वारे है, इट इज़ खार गुरुद्वारा, ये मेरे घर से और स्टेशन के बीच में आता है एंड आई ट्राई कि मैं एवरी ट्यूजडे गुरुद्वारे जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है एंड आई पर्सनली लव गोइंग टू द गुरुद्वारा एटलीस्ट वंस इन अ वीक and it gives you like peace and like you know it really works for me। so मैं अभी पहुँच गई थी स्टेशन और फिर बारिश हो रही थी, तो मैं सोचा कि कुछ गर्म गर्म नाश्ता लेके जाऊँ ऑफिस। तो मैंने लिया था चाइनीज़ मंचूरियन या चाइनीज़ पकौड़ा, आप कुछ भी बोल सकते हो, और फिर मैं ऑफिस लेके चली गई एंड फिर वहाँ पर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ खाया। सो मेरी जब 12 बजे की शिफ्ट होती है, सो आई टेक द कंपनी बस ऑफ 11 o'clock। सो जो बस है वो एवरी हाफ एन आवर में चलती है एंड बिकॉज मैंने गलत ट्रेन ले ली थी, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था एंड एकदम कट टू कट टाइमिंग पे मैं चल रही थी। तो आई थिंक हर एक मुंबईकर ये चीज़ पे मेरे साथ रिलेट कर सकता है, बिकॉज जो लोग ट्रेन और बस से बैक टू बैक ट्रैवल करते हैं, इफ़ दे मिस अ ट्रेन तो उनकी बस भी मिस हो जाती है एंड फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है एंड देन दे हैव टू वेट अ लॉट फॉर द नेक्स्ट बस। सो मेरे साथ भी कुछ सेम ही होता है, लाइक अगर मैं एक ट्रेन मिस कर दूँ तो फिर मेरी बस भी मिस हो जाएगी और फिर मुझे और आधा घंटा रुकना पड़ेगा दूसरी बस आने के लिए। लेकिन टचवुड, मैं एकदम टाइम पे 1 मिनट पहले मैं पहुंच गई थी एंड आई गॉट माय बस। सो 10:58 को मैं पहुंच गई थी मेरी बस के यहाँ पे, लकीली जस्ट 2 मिनट बाकी था एंड जो ये बस होती है शार्प टाइम पे निकल जाती है, दे डोंट वेट,
इवन इफ यू कॉल अर समथिंग दे हैव टू रीच ऑफिस एंड देन अगेन दे हैव टू लीव बैक सो दैट वो सेकेंड राउंड के लिए वापस आ सके स्टेशन के यहाँ पे. और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. अराउंड 11:20 तक मैं पहुँच गई थी ऑफिस. ये है एक स्मॉल लुक फ्रॉम द आउटर साइड कि मेरा ऑफिस कैसा दिखता है. एंड फिर अभी जल्दी से मुझे ऊपर जाना था. आई हैड टू गेट रेडी, आई हैड टू ईट समथिंग एंड फिर मुझे लॉग इन करना था. जाके मैंने सबसे पहले ली चाय, और ये जब मैं गुरुद्वारे गई थी तो वहाँ से मुझे कड़ा प्रसाद मिला था तो, और ये वो चाइनीज़ मंचूरियन जो मैं पैक करवाया था. फिर मैं जल्दी से हो गई रेडी एंड दिस इज़ माय लुक. और फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स आ गए, फिर उनके साथ बैठ के मैंने खा लिया चाइनीज़ मंचूरियन. सो फाइनली मेरा लॉग आउट हो चुका था एंड इट वॉज अराउंड 10:15 एंड मैं घर के लिए निकल चुकी थी. सो मेरी कंपनी हमें कैब्स प्रोवाइड करती है. सो लाइक वंस यू लॉग आउट यू कैन टेक द कंपनी कैब एंड गो होम. सो इट्स अ वेरी सेफ थिंग, लाइक यू नो यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग और समथिंग एंड प्लस सिक्योरिटी गार्ड एंड ऑल भी रहता है. सो अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और मैं अभी जस्ट बिल्डिंग के नीचे पहुंची हूँ. इट वाज अ वेरी टायरिंग डे एंड ये है मेरा डेली रूटीन, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और भाग भाग के ट्रेन पकड़ना. और आज का मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ. तो मैं जब खार स्टेशन पहुंची और तभी जस्ट ट्रेन आई थी तो मैं चढ़ गई एंड देन वो अंधेरी स्टेशन पर जाके रुक गई. एंड आई थॉट कि मे बी कुछ होगा सिग्नल या कुछ. एंड फिर इंडिकेटर पे देखा तो इट वॉज चर्च गेट की ट्रेन एंड आई वाज मतलब कुछ ना कुछ होना ही है मेरे साथ. एंड देन क्विकली आई हैड टू चेंज टू अनदर ट्रेन. और से मैं नहीं, बहुत लोग ऐसे थे जिनको लगा कि वो बोरीवली की ट्रेन है लेकिन वो अंधेरी की ट्रेन थी एंड इट वॉज गोइंग बैक टू चर्च गेट. एंड या और फिर ज़्यादा कुछ शूट करने का चांस नहीं मिला क्योंकि मेरे ऑफिस में इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी. सो आई कैन नॉट शो एनीथिंग अबाउट माय ऑफिस. तो हाँ, बस आज के लिए इतना ही. अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल भाविका की दुनिया. टेक केयर, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे.